सो गाइस, थंबनेल में तो देख लिया होगा कि इस टाइप का लेटर पोर्ट्रेट का फोटो एडिटिंग करने वाले हैं। तो इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। स्किप स्किप करके देखोगे या आधा देखोगे वीडियो को तो कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो अभी तक, प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करो, साइड में बेल के आइकन को क्लिक करो और ऊपर में आल के ऑप्शन को जो है सेलेक्ट कर लेना, जिससे लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहता है। तो इसी तरह का फोटो एडिटिंग ट्यूटोरियल देख लीजिए, जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सबसे पहले अपने मोबाइल में जाओ, मोबाइल में पिक्सआर्ट एप्लीकेशन ओपन करना है तो पिक्सआर्ट अपने मोबाइल में ओपन कर लेना और ये वाले बैकग्राउंड को जो है सेलेक्ट कर लेना। इस बैकग्राउंड का डाउनलोड लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से इस बैकग्राउंड को डाउनलोड कर लेना। अब यहाँ पर साइड में जाना, साइड में यहाँ पर टेक्स्ट का एक ऑप्शन मिलता है तो टेक्स्ट के ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना। टेक्स्ट के ऑप्शन को क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो है अपना नाम लिख लेना है। तो यहाँ पर अपने नाम का फर्स्ट फर्स्ट अक्षर को लिखना है, यानी कि फर्स्ट लेटर को कुछ इस टाइप से मैं जो है एस से लिखने वाला हूं, तो एस को लिख लिया। इसके बाद यहां पर ऊपर में राइट का आइकॉन है तो राइट के आइकॉन को क्लिक कर दूंगा। यहां पर इसे जो मैं हल्का सा बड़ा कर लूंगा और साइड में रख दूंगा कुछ इस टाइप से। तो यहां पर इसका फॉन्ट जो है देख रहा हूँ कि बढ़िया नहीं लग रहा है, तो मैं यहां पर एक अलग ही फॉन्ट का यूज किया हूं। सो गाइज, मैं जो है ब्लेड रनर फॉन्ट का यूज करने वाला हूं, तो इसका डाउनलोड लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, तो डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर लेना। और पिक्सआर्ट में कैसे ऐड करना है इसका वीडियो देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में ही वीडियो लिंक मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना, उसमें बहुत सारा वीडियो देखने को मिल जाएगा, बहुत सारा आपका काम ही आएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना जरूर। सो गाइज, अब फॉन्ट सेलेक्ट करना है तो ऊपर में एरो का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा या तो फिर नीचे में भी होगा, उसे जो है क्लिक कर लेना एरो के आइकॉन को। इसके बाद नीचे में यहाँ पर माय फॉन्ट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसे क्लिक करना और यहाँ पर ब्लेड रनर का एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा ये वाला, तो इसे जो है क्लिक कर देना। तो यहाँ पर मैं जो है ब्लेड रनर फॉन्ट को पहले से ऐड करके रखा हूँ, इसका वीडियो लिंक मैंने बना दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से देख सकते हो। तो यहाँ पर जो है टेक्स्ट के कलर को जो है चेंज करना है तो कलर के ऑप्शन में चले जाएंगे। इसके बाद यहाँ पर ब्लैक कलर सेलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर ब्लैक कलर तो हो गया, देख सकते हो। अब यहाँ पर नीचे में ही स्ट्रोक का एक ऑप्शन होता है साइड में ही, तो यहाँ पर स्ट्रोक के ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर स्ट्रोक के कलर को जो है वाइट सेलेक्ट कर लेना और इसके अमाउंट को कुछ इस टाइप से कम कर देना, तो अपने हिसाब से देख लेना। मैं जो है यहाँ पर 9-10 के आसपास रख लेता हूँ। इसके बाद फिर से साइड में जाना, शेडो के ऑप्शनों को क्लिक कर देना और यहाँ पर शेडो में कुछ इस टाइप से अमाउंट को कम कर देना है। इसके बाद यहाँ पर पोजिशन वाले ऑप्शन में जाना, यहाँ पर एडजस्ट के नीचे में होता है ये वाला, पोजिशन के ऑप्शन को क्लिक करना और इसको जो है अपने हिसाब से कर सकते हो, जैसे कि मैं इसे जो है ऊपर कर दे रहा हूँ और इसे जो है इसे भी हल्का से ऊपर में कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पर फिर से जो है एडजस्ट वाले ऑप्शन में चले जाऊंगा और यहाँ पर ये वाले अमाउंट को जो है कम कर दूंगा, क्योंकि ओबेसिटी जो है कम हो गया उससे। सो गाइस, कुछ इस टाइप से करने के बाद यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना कुछ इस टाइप का। इसके बाद इसे डन करना होगा तो ऊपर में राइट का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, तो ये वाला होता है राइट का आइकॉन, उसे जो है क्लिक करके डन कर लेना। अब यहाँ पर साइड में चले जाना, साइड में यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन होता है तो ऐड फोटो के ऑप्शन को क्लिक करना और अपने इमेज को जो है सिलेक्ट कर लेना है। तो मैं ये वाले इमेज का यूज करूँगा, तो इसे जो है सिलेक्ट कर लिया। तो यहाँ पर जो है इसका बैकग्राउंड जो है पहले से रिमूवेड है, तो रिमूव कर लेना बैकग्राउंड, इसके बाद ऐड करना। तो अब यहाँ पर साइड में जाना, साइड में यहाँ पर ब्लेंड मोड होता है, ब्लेंड मोड में जाने के बाद इसे जो है स्क्रीन कर देना। सो गाइज, यहाँ पर अब साइड में चले जाना, साइड में इरेज का आइकॉन होता है ये वाला, इसे जो है क्लिक करना। अब यहाँ पर नीचे में इन्वर्ट का बटन होता है, इसे भी क्लिक कर लेना और यहाँ पर रिस्टोर वाले ब्रश को क्लिक करना, हार्डनेस कैपेसिटी को बढ़ा देना और यहाँ पर टेक्स्ट टेक्स्ट में जो है अपने फोटो को रिस्टोर कर लेना है। तो जैसे मैं रिस्टोर कर रहा हूँ वैसे ही रिस्टोर कर लेना है। तो यहाँ पर मैं जो है वीडियो को फास्ट कर दिया हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा लंबा हो जाता है वीडियो, इसलिए जो है। सो गाइज, यहाँ पर कुछ इस टाइप से टेक्स्ट टेक्स्ट में अपने फोटो को जो है रिस्टोर कर लेना है। इसके बाद ऊपर में राइट का आइकॉन है तो राइट के आइकॉन को क्लिक कर देना। अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है, यहाँ पर इसे डन मत करना। अब यहाँ पर साइड में चले जाना, साइड में यहाँ पर लेयर वाला ऑप्शन होता है, ये वाला लेयर वाला ऑप्शन होता है, इसे क्लिक करना और यहाँ पर डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा तो डुप्लीकेट के ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना। तो ये रहा, डुप्लीकेट बन गया है। तो ठीक उसी के ऊपर अच्छे से एडजस्ट कर लेना, तो ठीक उसी के ऊपर एडजस्ट करना है तो एडजस्ट कर लेना। इसके बाद यहाँ पर साइड में जाना, साइड में ब्लेंड मोड में जाना तो ये पहले से स्क्रीन आ रहा होगा, तो यहाँ पर इसे जो है नॉर्मल कर लेना है। तो नॉर्मल करने के बाद यहाँ पर फिर से जो है ये इरेज वाले आइकॉन में चले जाना है। तो यहाँ पर नीचे में लेयर वाले ऑप्शन के नीचे में यहाँ पर इरेज वाला आइकॉन होता है ये वाला, इसे जो है क्लिक कर लेना। क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे में इरेज का आइकॉन होगा,
लिखा भी होता है इरेज, उसे क्लिक करना और साइज को, हार्डनेस कैपेसिटी को सबको बढ़ा देना और सबको ऐसे रिमूव कर लेना है एक बार। सबको रिमूव करने के बाद यहाँ पर वापस से रिस्टोर वाले ब्रश को क्लिक करना और यहाँ पर साइज को कम करना और जहाँ जहाँ का रिस्टोर करना है, जैसे कि यहाँ पर फेस नहीं दिख रहा है तो फेस को जो है रिस्टोर कर लेना है और बॉडी के बाकी पार्ट को जो है रिस्टोर कर लेना। जहाँ जहाँ का रिस्टोर करना चाहते हो वहाँ वहाँ का रिस्टोर कर सकते हो कुछ इस टाइप से। सो गाइज यहाँ पर कुछ इस टाइप से अच्छे से रिस्टोर करना है। इसके बाद ऊपर में राइट का आइकॉन होगा तो राइट के आइकॉन को क्लिक कर देना। अब यहाँ पर इसे भी डन करना होगा तो डन करना है तो ऊपर में फिर से जो है राइट का आइकॉन होगा तो राइट के आइकॉन को क्लिक कर देना और इस इमेज को डन कर देना। अब यहाँ पर साइड में चले जाना, साइड में फिर से टेक्स्ट वाले ऑप्शन को क्लिक करना और अपने नाम के बाकी लेटर्स को जो है लिख लेना है। जैसे कि मैं सनी लिखने वाला था तो एस तो लिख लिया हूँ तो एस को मिटा देता हूँ। इसके बाद यहाँ पर बाकी का लेटर आ जाएगा यहाँ पर कुछ इस टाइप से। ऊपर में राइट का आइकॉन होगा तो राइट के आइकॉन को क्लिक कर देना और इसे जो है डन कर देना। यहाँ पर कुछ इस टाइप से डन करने के बाद यहाँ पर अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। तो इसका फॉन्ट भी चेंज करना है तो सबसे पहले ऊपर में एरो का आइकॉन है उसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर माई फॉन्ट में जाएंगे और ब्लेड रनर फॉन्ट को जो है सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से आ गया। अब यहाँ पर इसका कलर को चेंज करना है तो इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है यहाँ पर, और यहाँ पर इसके कलर में चले जाएंगे तो साइड में होता है कलर का ऑप्शन। सो गाइज अब जो है यहाँ पर इसका कलर को जो है ब्लैक कर देना है। इसके बाद स्ट्रोक वाले ऑप्शन में चले जाना, इसे वाइट कर देना और वाइट करने के बाद इसके अमाउंट को जो है बढ़ा देना अपने हिसाब से। अब यहाँ पर कुछ इस टाइप से करने के बाद यहाँ पर नीचे में चले जाना, नीचे में शेडो का ऑप्शन होता है तो शेडो को क्लिक करना और यहाँ पर जैसे पहले शेडो क्रिएट किए थे वैसे ही कुछ इस टाइप से शेडो कर लेंगे। तो यहाँ पर देख रहे होगे सेटिंग को कैसे करना है तो अपने हिसाब से भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं कि मैं जैसे कर रहा हूँ वैसे ही करना है। तो अपने हिसाब से कर लेना शेडो सबको। इसके बाद यहाँ पर इसे जो है अच्छे से सेट कर लूँगा मैं कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर साइड में ऐड का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, साइड में देख सकते हो फोटो के साइड को क्लिक करना तो साइड में ऐड का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पर ऐड का ऑप्शन है, इसे जो है क्लिक कर दूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये वाले बर्ड पीएनजी इमेज को जो है ऐड कर लूँगा मैं। तो इस बर्ड पीएनजी इमेज को जो है यहाँ पर ऊपर में रख लूँगा, यहाँ पर कुछ इस टाइप से छोटा कर लूँगा और यहाँ पर ऊपर में रख लूँगा। तो इसे जो है डुप्लीकेट बनाना है तो यानी कि और भी बर्ड क्रिएट करना है तो साइड में होता है लेयर वाला ऑप्शन, तो लेयर वाले ऑप्शन में डुप्लीकेट का ऑप्शन होता है तो यार लेयर वाले ऑप्शन को क्लिक करना और डुप्लीकेट को क्लिक कर लें कुछ इस टाइप से। और यहाँ पर और एक बार डुप्लीकेट को क्लिक कर लेंगे जिससे कि ये तीन बन जाएगा यहाँ पर, और तीन तीन बर्ड हो गया। तो अच्छे से एडजस्टमेंट कर लेना कुछ इस टाइप से। अब यहाँ पर ऊपर में राइट का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, ऊपर में राइट का आइकॉन है उसे जो है क्लिक कर देना। यहाँ पर कुछ इस टाइप से एडिट तो हो गया है, इसमें जो है और एक इफेक्ट क्रिएट करना है तो यहाँ पर साइड में चले जाना, साइड में यहाँ पर ऐड फोटो का ऑप्शन होता है तो यहाँ पर ऐड फोटो के ऑप्शन को जो है क्लिक कर देना। इसके बाद यहाँ पर ये वाले पीएनजी इमेज को जो है ऐड करना है, इसका डाउनलोडिंग डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसे ऐड करने के बाद यहाँ पर इसे जो हल्का सा बड़ा करना और यहाँ पर साइड में चले जाना, साइड में ब्लेंड मोड में तो यहाँ पर ब्लेंड लिखा होता है उसे जो है क्लिक करना और इसे जो है स्क्रीन कर देना। स्क्रीन करने के बाद इसे जो है अच्छे से एडजस्ट करना है तो यहाँ पर जैसे मैं कर रहा हूँ एडजस्ट वैसे ही एडजस्ट कर लेना। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्ट कर लेना। सो गाइस कुछ इस टाइप से अच्छे से एडजस्ट करने के बाद साइड में इरेज का आइकॉन होता है तो इरेज के आइकॉन को क्लिक करना, नीचे में इन्वर्ट का बटन होता है उसे क्लिक करना और रिस्टोर वाले ब्रश को क्लिक करना और हार्डनेस कैपेसिटी को कुछ इस टाइप से रख लेना और यहाँ पर जो टेक्स्ट का ब्लैक ब्लैक पार्ट है उसी में जो है कुछ इस टाइप से रिस्टोर कर लेना है तो अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से ब्लैक ब्लैक पार्ट में जो है अच्छे से रिस्टोर कर लेना। तो यहाँ पर कुछ इस टाइप से अच्छे से रिस्टोर करने के बाद ऊपर में राइट का आइकॉन दिखाई दे रहा होगा तो राइट का आइकॉन है ऊपर में तो इसे जो है क्लिक कर देना और इस इमेज को जो है डन कर देना। सो गाइज यहाँ पर ऊपर में और एक बार राइट का आइकॉन है तो राइट का आइकॉन को क्लिक कर देना और यहाँ पर डाउनलोड करना है इस इमेज को अपने गैलरी में तो साइड में ही डाउनलोड का आइकॉन होता है तो डाउनलोड के आइकॉन को क्लिक कर देना तो ये ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा अपने गैलरी में। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ जो है लाइक कर देना, हो सके तो कमेंट भी कर दो। इस वक्त जो है सपोर्ट का ज़रूरत है तो प्लीज़ जो है सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को एक शेयर जरूर कर देना। हो सके तो यहाँ पर दो वीडियो देख रहा है।